कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट अमित त्यागी और मेरे चैनल द बायर गाइड में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आई होप आप घर पर सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। प्लीज़ स्टे एट होम एंड घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज से गवर्नमेंट की तरफ से 18 ईयर्स प्लस के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट है, तो प्लीज़ आप उसके लिए एनरोल ज़रूर करें, वैक्सीनेशन ज़रूर करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें सेफ करती है। मैं भी आज दोस्तों एनरोल करूंगा अपने आपको उस प्रोग्राम के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर अपने आप को एनरोल करें वैक्सीनेशन के लिए। एंड जाहिर सी बात है घर में तो सबको करना ही करना है, मैं अपने आप को और अपनी वाइफ को दोनों को एनरोल करने वाला हूँ दोस्तों। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों कल का जो किया का प्रोग्राम रहा, जो उनकी लॉन्चिंग प्रीमियर था, वो आप लोगों ने सबने देख ही लिया होगा। मेरे चैनल पर भी आप सबने देखा कि किया ने कैसे अपने न्यू लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया। एंड उसका बिगेस्ट रीज़न ये है कि जो कोविड का सिनेरियो है वो सब कुछ किस तरह से फैला हुआ है। बट किया के जो लॉन्च प्लान है दोस्तों वो न्यू सोनेट एंड न्यू सेल्टोस के हैं। सोनेट के ऊपर मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल भी हैं, आप लोग उनको देख भी रहे हैं कि कैसे सोनेट की किस किस वेरियंट में क्या क्या फीचर्स चेंजेस हो रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सेल्टोस में जो जो चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों वो सब बताने वाला हूँ, क्योंकि सेल्टोस के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस कंपनी प्लान कर रही है न्यू लॉन्च के साथ। अब जैसे ही न्यू लॉन्च होगा दोस्तों, मे बी शायद नेक्स्ट मंथ हो, तो जैसे ही वो होगा तो सारे फीचर्स अपग्रेड होके गाड़ी आ जाएगी। वैसे कुछ डीलरशिप पे पहुंचनी भी स्टार्ट हो गई है, स्पाइड फोटोज एंड वीडियोज भी रोल आउट हो रहे हैं, तरह तरह के देखे जा रहे हैं। बट आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा बेस वेरियंट टू टॉप वेरियंट एसटीई टू जीटीएक्स प्लस क्या क्या फीचर्स चेंज हुए हैं दोस्तों। एंड मैं अपनी वीडियो में दोस्तों एक पूरी एक शीट मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, वो शीट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हियर इज द शीट, जिसमें मैंने सारा का सारा बताया है कि किस किस वेरिएंट में क्या क्या चेंजेस हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। दोस्तों स्टार्ट करता हूँ बेस मॉडल एचटीई से। एचटीई दोस्तों पेट्रोल डीजल दोनों में आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसके अंदर भी अगेन सोनेट की तरह से इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है एक्सेप्ट द न्यू लोगो, नया लोगो जरूर इसमें आ गया है दोस्तों। अब अगर मैं नेक्स्ट वेरिएंट पे चलूं दोस्तों, एचटीके जो कि डीजल में भी आता है और पेट्रोल मैनुअल में भी आता है, उसके अंदर दो चेंजेस हैं दोस्तों। उसके अंदर न्यू लोगो के साथ साथ वायरलेस फोन प्रोजेक्शन भी कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, या बोलना चाहूंगा अपग्रेड कर दिया है, जो कि सोनेट में आता है दोस्तों। सोनेट के एचटीके प्लस एंड एचटीएक्स वेरिएंट के अंदर वायरलेस फोन प्रोजेक्शन आता है, तो वही सेम फीचर अपग्रेड कर दिया गया है सेल्टोस के एचटीके मॉडल में। अब उसका भी इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस फोन प्रोजेक्शन को सपोर्ट करेगा, जिसमें आप एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले चला पाएंगे। एंड्रॉयड ऑटो के ऊपर ढेरों वीडियो में बना चुका हूँ दोस्तों, वायरलेस फोन प्रोजेक्शन के ऊपर ढेरों वीडियो में बना चुका हूँ, जो कि सब मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी मिल ही जाएगा दोस्तों। प्लीज उन्हें जरूर देखिएगा, वो आपका बहुत हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट वेरिएंट पे चलूं दोस्तों, एचटीके प्लस जो की है दोस्तों, एक छोटा सा सेल्टोस के अंदर चेंज आ रहा है। जो एचटीके प्लस है उसमें एक नया ऑप्शन कंपनी लॉन्च करने जा रही है, वो है आपका दोस्तों आईएमटी, जो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन कंपनी ने लॉन्च किया था सोनेट के अंदर, वो अब सेल्टोस के अंदर भी लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों एचटीके प्लस मॉडल के अंदर। तो एचटीके प्लस वेरिएंट में आपका आईएमटी वेरिएंट आने है, एक तो ये न्यू अपग्रेड है। एंड उसके अलावा फीचर्स में क्या अपग्रेडेशन है दोस्तों, फीचर में अपग्रेडेशन है दोस्तों इलेक्ट्रिक सनरूफ का। जी हाँ दोस्तों, अब सनरूफ भी आने वाली है, बट दैट वुड बी अगेन लिमिटेड टू आईएमटी ओनली। जो आईएमटी वेरिएंट इसका आएगा, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं आईएमटी को प्रमोट करना चाहती है, इसलिए उसमें कुछ फीचर्स में चेंजेस कर रही है, बेहतर फीचर्स के साथ उसको ला रही है, जिससे लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें। फ्यूचर भी दोस्तों आईएमटी का है, मैनुअली धीरे धीरे ग्रेजुअली साइडलाइन हो जाएगी और आईएमटी ज़्यादा बिका करेंगी, क्योंकि मैनुअल के मैनुअल और ऑटोमेटिक का भी मजा उसके अंदर आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक सनरूफ आ जा रहा है आईएमटी के अंदर। उसके अलावा दोस्तों रिमोट की स्टार्ट जो सोनेट के अंदर आता है, चाबी से आप कार स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, सेल्टोस में भी आता है पहले से ही, बट पहले वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक के लिए रिजर्व था, वो डीजल ऑटोमेटिक में आता था, वो आपका आईवीटी में आता था और डीसीटी में आता था। अब वो मैनुअल के अंदर भी आ जा रहा है,
तो STK प्लस मैनुअल में भी वो आएगा, ऑटोमेटिक में भी आएगा, सारे वेरिएंट में आ जाएगा अब वो STK प्लस ओन वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, पहले वो सिर्फ ऑटोमेटिक में आ रहा था। उसके अलावा जो नया चेंज है दोस्तों, वो IMT का मैंने आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रिक सनरूफ का मैंने आपको बता दिया दोस्तों। एंड जो इंटीरियर है दोस्तों, इंटीरियर में भी एक चेंज हो रहा है। अभी STK प्लस का जो इंटीरियर आता है वो दोस्तों ग्रे ब्लैक आता है, अब वो बेज कलर की फैब्रिक सीट आएंगी उसमें, यानी कहीं ना कहीं ड्यूल टोन इंटीरियर हो जाएगा। अब STK प्लस में बेज फैब्रिक सीट्स आएंगे, बट अगेन दैट वुड बी फॉर IMT ओनली। सिर्फ IMT में ये मेजर चेंजेस हो रहे हैं। सनरूफ भी IMT में ऐड हो रहा है और बेज फैब्रिक सीट्स भी IMT में ऐड हो रही है। और न्यू लोगो तो दोस्तों वो तो ला ही रही है कंपनी, वो तो बेस्ट टू टॉप वेरिएंट सब में आ जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट वेरिएंट पे चलूं दोस्तों, HTX, यहां भी कंपनी ने जो काफी चेंजेस किए हैं, सबसे ज्यादा जो चेंजेस किए हैं दोस्तों वो सेफ्टी फीचर्स को लेके किए हैं। जैसे सोनेट के अंदर HTX मॉडल से सेफ्टी फीचर्स ऐड कर दिए, वैसे ही यहां भी किए हैं, क्योंकि वो पहले GT लाइन पे रिजर्व थे, सिर्फ GT लाइन में आते थे। अब ST लाइन में भी HTX ऑनवर्ड्स उनको लाया जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट। ये चार फीचर्स दोस्तों HTX ऑनवर्ड्स मैनुअल मॉडल में भी आने स्टार्ट हो जाएंगे सेल्टोस के अंदर। उसके अलावा दोस्तों रिमोट की स्टार्ट मैनुअल के अंदर भी, पहले वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक में आती थी IVT में, STX लाइन में, अब वो मैनुअल में भी आएगी, पेट्रोल में भी, डीजल में भी। एंड एक नई चीज और ऐड हो जा रही है, वो AI वॉइस कमांड, नई जो वॉइस कमांड है जो सोनेट में भी इन्होंने अपग्रेड किया है दोस्तों। वॉइस कमांड के बेसिस पे आप सनरूफ भी कंट्रोल कर पाएंगे, एंड न्यू लोगो वो तो आना ही है दोस्तों। तो ये STX वेरिएंट में अपग्रेडेशन हैं, सनरूफ उसमें पहले से ही आती है, सेम सारे ही फीचर्स इन्होंने STX का जो एनिवर्सरी एडिशन कंपनी ने लॉन्च किया था उसमें भी सारे यही सेम फीचर्स अपग्रेड कर दिए जा रहे हैं दोस्तों। अब अगर मैं नेक्स्ट वेरिएंट पे चलूं STX प्लस के ऊपर, तो STX प्लस में भी दोस्तों आपको ये मैंने अपनी वीडियो में बता ही दिया था कि STX प्लस में जो डीजल ऑटोमेटिक आता था कंपनी ने वो डिसकंटिन्यू कर दिया है दोस्तों, अब वो नहीं आएगा। तो अब STX प्लस सिर्फ और सिर्फ डीजल मैनुअल के अंदर आएगा। STX प्लस पेट्रोल में तो पहले से ही नहीं आता था दोस्तों, मैनुअल के अंदर, ठीक है, उसमें STX टॉप वेरिएंट था। तो अब STX प्लस जो कि डीजल मैनुअल के अंदर आएगा, सिर्फ उसके अंदर दोस्तों सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, ये आने वाला है। मैनुअल के अंदर रिमोट की से स्टार्ट फंक्शन आने वाला है, हेलो किया का न्यू AI कमांड आने वाली है सनरूफ कंट्रोल के साथ, न्यू लोगो आने वाला है। और एक और चेंज हो रहा है दोस्तों उसके अंदर, जो इसके जो सीट्स थी दोस्तों, सीट्स पहले आपको पता है इसमें हनीकॉम पैटर्न के साथ आती थी, अब उसमें थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, उसमें ब्राउन और ब्लैक मिक्सचर के साथ अब वो आएगी, हनीकॉम पैटर्न होगा एंड ब्राउन एंड ब्लैक कलर थीम के साथ वो आएगी। पहले सिर्फ और सिर्फ वो बेज में आती थी, तो ये छोटे से चेंजेस हैं एंड न्यू लोगो। वहीं अगर दोस्तों GTX का जो ऑप्शनल वेरिएंट है उसकी अगर मैं बात करूं, तो अगेन उसके अंदर जो सेफ्टी फीचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, हिल रोल असिस्ट, स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, ये सब ऐड हो गए हैं। उसके अलावा मैनुअल के अंदर रिमोट की स्टार्ट ऐड हुआ है, AI वॉइस कमांड ऐड हुई है एंड न्यू लोगो ऐड हुआ है। एंड उसके अंदर दोस्तों जो इंटीरियर में छोटे से चेंजेस हैं, जो उसकी सीट्स हैं, वो सीट में अब लेदराइट स्पोर्ट्स सीट्स आएंगी विद रेड स्टिचिंग के साथ एंड बेज एंड ब्लैक थीम मिक्सचर के साथ, तो ये चेंजेस इसके अंदर हुए हैं। वहीं अगर मैं GTX प्लस टॉप ट्रिम की तरफ चलूँ, टॉप वेरियंट की तरफ चलूँ, तो उसका जो मैनुअल ट्रिम है, मैनुअल ट्रिम के अंदर दोस्तों रिमोट की स्टार्ट ऐड हो गया है, AI वॉइस कमांड ऐड हो गई है, न्यू लोगो ऐड हुआ है एंड ऑटोमेटिक में छोटे से चेंजेस और एक्स्ट्रा हैं। ऑटोमेटिक के अंदर दोस्तों पेडल शिफ्टर्स ऐड हो गए हैं सिर्फ GT लाइन में, यानी कि IVT वगैरह में पेडल शिफ्टर्स नहीं आएंगे दोस्तों, सिर्फ GT लाइन में आएंगे पेडल शिफ्टर्स ऑटोमेटिक में और DCT में, ठीक है दोस्तों। तो ये फीचर्स के अपग्रेडेशन हैं, जो चेंजेस हैं। तो न्यू सेल्टोस भी अब जो पहुंच रही हैं ग्रेजुअली, उसके लॉन्च को होल्ड कर दिया है, लॉन्चेस मे बी शायद नेक्स्ट मंथ होंगे,
क्योंकि तरह तरह की न्यूज चल रही है दोस्तों, तो उस लॉन्च के साथ ये सब अपग्रेड होगा नेक्स्ट मंथ। एंड इसके प्राइजेस भी जो चेंज होंगे दोस्तों, जैसे ही उस पर कोई इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करूंगा मेरे चैनल पे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, स्टे ट्यून रहिएगा। एंड वीडियो आई होप ये पसंद आपको आई है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स हम वहां भी डालते रहते हैं छोटी छोटी, तो वहां भी वो आपको मिल जाएंगी। तो ये सब इसमें था दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों, इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।